आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव बदायूं दरवाजा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 22 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। 1400 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान सतीश कुमार ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। बताते चलें कि संभल शहर से जुड़े इस छोटे से गांव में पीने के पानी को लेकर काफी समस्या है। ग्राम प्रधान ने कई बार पानी की टंकी को भी लेकर मांग की है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान सतीश कुमार के द्वारा जगह जगह समर सेवल कराकर पानी की अच्छी व्यवस्था कराई गई है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान सतीश कुमार और सचिव सुशील कुमार के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। 4 वर्षों में इन्होंने गाँव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के बदायूं दरवाजा ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहाँ लोगों को सेवा दी गई है लॉकडाउन के चलते भी, और आगे क्या कोशिशें इनकी जारी है, इस सब के बारे में हम बातचीत करके प्रधान जी से आपको जानकारी लेकर के पाए। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान जी, जैसे कि 5 साल लगभग पूरे होने को है इस कार्यकाल में, क्या क्या विकास कार्य अब तक आपके हमने अपने गांव में कोई रोड हमारे यहाँ कच्चा नहीं, ज़्यादातर पक्के करा दिए। ये पंचायत घर बनवाया हमने और लोगों को शौचालय भी दिए हैं। बोरियप हो चुका है हमारा गांव। आवास मिले हैं? आवास नहीं है हमारे यहाँ, एक भी आवास नहीं है। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें लगभग होंगे 40 परिवार ऐसे जिन्हें आवासों की जरूरत है। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है? सोलर लाइट लग रही है। डस्टबिन वगैरह? डस्टबिन नहीं लगी हमारे। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? ठीक है, बढ़िया। सफाई कर्मी मतलब रेगुलर आते हैं? कोई दिक्कत परेशानी इस तरह की गंदगी का ढेर वगैरह तो नहीं गाँव में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वैसे भी हम अपने स्तर से अलग से भी टीम लगा के या अलग मजदूर लगा कर हम गाँव की सफाई कराते रहते हैं, हर साल भी कराते हैं। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, जैसे ये चली हुई या सम्मान निधि का पैसा जो किसानों के खाते में आ रहा है, तो इसका लाभ आपकी ग्राम पंचायत में कितने परसेंट लोग लगभग ले पाते हैं? क्या सभी को मिल पाता है या रह जाते हैं? मेरे गांव में मैंने कोशिश करी है, लगभग 90% लोगों को उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना और किसान सम्मान निधि 90% लोगों को मैंने कोशिश करके मिला। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या काम करवाए? स्कूल कायाकल्प में कोई खास नहीं कराया, अभी बजट के कारण हमने अपना बजट नहीं था, बस एक जूनियर स्कूल की बाउंड्री कराई, उसमें पेय व्यवस्था कराई है, उसमें समर से भी लगा कर फिटिंग वटिंग, बाकी इतनी जगह नहीं, ठीक ठाक है। अभी वहाँ कायाकल्प में और ज़रूरत है अभी, जैसे उसका ग्राउंड है वो कच्चा है अभी, टाइल्स वगैरह लगा। तो अब आने जो अभी टाइम बचा है या आगे जो आने वाला टाइम है, इसमें ये काम जो है शुरू करेंगे। हाँ, मगर बजट उपलब्ध होता है तो बिल्कुल कराए जाएंगे। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत भवन जैसे कि आपने बताया निर्माण करवाया, बारात घर है? नहीं, वही पंचायत घर है, उसी में ही बनाते हैं, बैठती भी है और आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र भी है। खेल का मैदान? नहीं। अस्पताल? नहीं। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? होगा लगभग 3 किलोमीटर संभल, मतलब जो आपका यहाँ से? हाँ, बिल्कुल हमारे ग्राम पंचायत से जी। तो मतलब इस तरह की कोई परेशानी दिक्कत तो यहाँ सामने नहीं आती, जैसे कि हल्की छोटी मोटी बीमारी पे आदमी जो है दवाई लेने के लिए अगर जाना हो, या कोई बीमारी ऐसी हो जाए कि जहाँ पर सरकारी डॉक्टर से कहीं जरूरत पड़े, तो इस तरह ऐसी सिचुएशन कोई सामने आती है तो? ना, हमारे नज़दीक में ही ऐसी कोई समस्या नहीं होती है, एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाती है सब, बिल्कुल 5 मिनट। अभी जैसे कि 70 दिन का पूरी तरह से देश में लॉकडाउन रहा है और खैर अब अनलॉक है, लेकिन उस समय में लोगों के आगे बहुत बड़े बड़े संकट खड़े हुए थे खाने पीने को लेकर के, कई तरह की परेशानियां थी। तो आपकी ग्राम पंचायत में भी ऐसे कई परिवार रहे होंगे जिनके यहाँ या तो कमाने वाले बाहर हैं या फिर काम जिनका है वो बंद है, तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए आपका क्या योगदान है? हमारा जो सरकार से सुविधा निकाली गई उसमें तो कोई खास सहयोग नहीं मिल पाया,
बस एक राशन का जो है उसमें सहयोग मिल पाया, और बाकी जैसे जिसका राशन कार्ड नहीं था और उसके यहाँ खाने की समस्या थी वो मैंने अपने स्तर से उसकी समस्या दूर की। आपने उनकी जी अपने स्तर से जी। जैसे बाहर से मजदूर जो आए हैं पलायन कर करके इधर, तो आपकी ग्राम पंचायत में भी आए हैं कुछ लोग? हमारे यहाँ कोई खास नहीं, 4-6 लोग आए हैं। उनकी जाँच वगैरह सब करवा? हाँ सब। मैं पहले अपने गाँव में घुसने नहीं देता हूँ, मैं पहले पूरा ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का, पहले उसका टेस्ट करा के तब गांव में घुसने देते हैं जी। अब जैसे अनलॉक हो चुका है तो काफ़ी जगह पर ऐसा है कि असावधानियां बढ़ती जा रही हैं, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं है, चला गया कुछ ऐसा है, या लॉकडाउन ही भी है या नहीं पता ही नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में अपने ग्रामवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा अभी लॉकडाउन है और बीमारी भी है, अभी उसका सावधानी बरतना ही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अभी लापरवाही न बरतें तो ठीक है जी, इससे तो बीमारी बढ़ी रही है, तो इसलिए बस अपने आप को सेफ रखो तो सब ठीक है। अभी इसे हल्के में ना लें तो मैं तो सब लोगों से यही कहूँगा। अपने गांव को और ज़्यादा विकसित करने के लिए डेवलपमेंट, जिससे कि और हो गाँव और चमके, क्या ऐसी समस्याएँ या ज़रूरतें आप महसूस करते हैं जिससे आप सरकार से चाहेंगे कि खासतौर पर अपनी मांग रखें? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है, पीने का पानी। जी हाँ, हमारे यहाँ पानी खराब है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ राहत के लिए हमने अपने गांव में अभी फिलहाल में 4 समर सेवी लगवाए हैं जगह जगह पर, उससे लोग अपना भर के ले जाते हैं, पीने लायक उन्हें पानी उपलब्ध करा दिया गया। हाँ अभी बिल्कुल फिलहाल में कराया, अभी 1-2 महीने पहले। वैसे ज़्यादातर समस्या है हम पानी। तो इसके लिए क्या चाहेंगे कि एक ओवरहैंड टैंक की सुविधा अगर गांव में मिल जाएगी तो हो सकता है कि ये परेशानी जो है दूर हो जाए, दिक्कत दूर हो जाए लोगों की जी। और गांव की भी यही डिमांड है, गांव की तो यहां पर समर सेवी से पहले ये मांग थी कि आप हमारे यहां रोड ना बनाए, पानी की समस्या दूर करें, गांव का ये कहना था। पीने के पानी की दिक्कत यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा ही अशुद्ध पानी यहाँ लोगों को। जी जी जी। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा अब तक कराया जा चुका है, जिसमें सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास यहाँ एक भी परिवार को नहीं मिल पाया है, शौचालय से ODF ग्राम पंचायत हो चुकी है, लगभग 50-60 परिवार अभी भी यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। इसके अलावा लॉकडाउन में भी गरीब परिवारों की, जिनके आगे खाने पीने को लेकर किसी तरह की परेशानी आई है, उसमें भी ग्राम प्रधान द्वारा उन्हें काफ़ी राहत यहाँ पर मिली है। अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो यहाँ कुछ समस्याएं भी बाकी हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख समस्या जो यहाँ है वो समस्याओं की तरफ अगर नज़र करें तो यहाँ कुछ समस्याएं अभी ऐसी हैं जिनसे लोग बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं, जैसे कि सबसे जो प्रमुख समस्या है और बहुत ही बड़ी समस्या है यहाँ पीने के पानी को लेकर है, जो कि अशुद्ध पानी यहाँ लोग पी रहे हैं, जिससे सभी जानते हैं कि कई तरह की बीमारियाँ यहाँ पर पैदा होती हैं। सबसे पहले जनता को शुद्ध पानी मुहैया कराना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए ओवरहैंड टैंक की यहाँ पर मांग रखी गई है, और फिलहाल में ही यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा समर सेवल भी कराए गए हैं, जिससे कुछ हद तक यहाँ लोगों को राहत मिली है, लेकिन चाहते हैं कि सरकार से अगर मदद मिले और भरपूर सहयोग मिले तो यहाँ ओवरहैंड टैंक का निर्माण होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा बारात घर जो कि यहाँ पर निर्मित नहीं है, इन सभी मांगों को लेकर अशरफ अली के साथ नाजरीन सूर्यदनी पहुँचे। जी सर, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम तनवीर आलम है। जी, इस विद्यालय में आप किस पद पर कार्यरत हैं? मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक के पोस्ट पर हूँ। अच्छा, यहाँ बीते 4.5 वर्ष हो गए हैं प्रधान जी कार्यकाल को, विद्यालय के में क्या क्या विकास हुआ है? विद्यालय में प्रधान जी के द्वारा काफ़ी काम किए गए हैं, और जैसे विद्यालय के बाउंड्री का वर्क है, बाउंड्री का काम किया है उन्होंने काफ़ी, और देखिए पेयजल की व्यवस्था के बारे में भी काफ़ी काम किया उन्होंने। जी जी। टैंक का रखवाने का काम है, जैसे नल का काम है, नल भी इधर से उधर शिफ्ट किया गया है, पहले इधर पानी नहीं आता था, तो प्रधान जी के द्वारा काफ़ी विद्यालय में इंटरेस्ट लिया जाता है, काफ़ी अच्छे काम किए गए हैं। जब आपको जरूरत होती है प्रधान जी उपस्थित हो जाते हैं? जब कभी कॉल करते हैं प्रधान जी फौरन आ जाते हैं।